तो दोस्तों आप सब भी लाइटरूम ऐप को तो यूज़ करते ही होगे एंड आप लोग लाइटरूम ऐप को यूज़ करके फोटो एडिटिंग करते होगे बट मेरी तरीके से नहीं कर पाते होगे। आप लोग भी सोचते होगे लाइटरूम ऐप में भी फीचर्स आ जाएं फेस स्मूथिंग के, तो क्या बात ना रहे। तो गाइस आप लोग को बता दूं लाइटरूम ऐप में फेस को स्मूथ करने का फीचर्स है एंड आप लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो गाइस आप लोग को बता दूं, देख सकते हो ये फेस स्मूथिंग करी है लाइटरूम ऐप से, अनबिलीवेबल है। तो गाइस आप लोग इसको देख सकते हो कैसे मैंने एडिटिंग की है। तो गाइस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एंड आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा लाइटरूम ऐप ने कुछ स्टेप से कैसे एडिटिंग करी जाती है। एंड आप लोग पूरा स्टेप फॉलो करते हो तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो ज़रा सा स्किप नहीं करना, आप लोग से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो स्किप करते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो कितनी बेकार लग रही है गाइस। इसी फोटो की हम लोग एडिटिंग करेंगे एंड आप लोग को सिखाएंगे कैसे एडिटिंग करी जाती है। तो गाइस अभी हम लोग लाइटरूम ऐप में फोटो को शेयर कर लेते हैं, यहीं से आप लोग को सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लाइटरूम ऐप के अंदर आ गए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लाइटरूम ऐप के अंदर आने के बाद गाइस अब मैं जो जो स्टेप आप लोग को बताऊंगा वही वही स्टेप आप लोग को फॉलो करना होगा, ध्यान से देखना होगा, तभी आप लोग उस तरह की एडिटिंग कर पाओगे जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट पे करके दिखाई थी। एंड गाइस आज की वीडियो अगर पूरी वॉच करते हो तो मेरी तरीके से एडिटिंग करना आप लोग सीख जाओगे एंड मैं कैसे करता हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो गाइस मैंने ये स्टेप फॉलो किया एंड सैचुरेशन माइनस कर दिया एंड यहाँ पे येलो ले ऑप्शन पे क्लिक किया गाइस, इसका सैचुरेशन माइनस किया एंड ह्यू माइनस किया एंड ग्रीन वाले पे आया, ह्यू सैचुरेशन दोनों माइनस किया। एंड माइनस करने के बाद फोटो देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक अभी होने लगा। तो गाइस जितना करना होगा एंड दोनों को माइनस करना होगा सब में। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो फोटो में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं लास्ट वाले का भी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाले का भी मैंने कर लिया, इसको कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे इसकी क्लैरिटी प्लस करेंगे एंड यहाँ पे अभी आप लोग को डिजाइन मिलेगा उसको भी प्लस कर लेना एंड यहाँ पे अभी टेक्सचर मिलेगा एंड विंटेज मिलेगा। तो विंटेज को हल्का माइनस करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना डार्क इफेक्ट आ चुका है हम लोग के फेस के ऊपर, मतलब हम लोग के बैकग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पे फेस पे लाइट इफेक्ट। तो गाइस इतना करने के बाद शार्पिंग वाले ऑप्शन पे आना एंड शार्पिंग को प्लस करना एंड डिटेल को प्लस करना, डिटेल को हल्का मतलब प्लस करना है, यहाँ पे देख सकते हो पहले से है। एंड आप लोग को जो फेस की स्मूदिंग की ट्रिक बता रहा था तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये है नो ट्रेडिएशन, आप लोग इसको फुल करके एक बार अपने फेस पे देखना है। तो गाइस मैं आप लोग को बता रहा था क्या है फेस की स्मूदिंग। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग की फेस पे स्मूदिंग हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर देख सो हल्का हल्का इफेक्ट आ गया फेस की स्मूदिंग के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग फेस की स्मूदिंग कर सकते हो कुछ इस टाइप से लाइटरूम ऐप के अंदर, दो तीन बार आप लोग अप्लाई करना, आप लोग का फेस गारंटी है ऐसा स्मूद होगा जो यहाँ पे कोई भी नहीं आप लोग को सिखाया होगा लाइटरूम ऐप से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने लाइटरूम ऐप में हल्का स्मूदिंग कर दिया, बट परफेक्ट स्मूदिंग के लिए आप लोग को दो तीन बार ऐड करना होगा फोटो, उसके लिए ऐड करके बार बार कर लेना होगा। तब तक के लिए अभी हम लोग यहाँ पे फोटो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक में, वहाँ से सिखाते हैं फुल HD हाई क्वालिटी स्मूदिंग। तो गाइस आप लोग मेन मेन ट्रिक देखने वाले, तो गाइस उसको छोड़ना मत एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे स्मूदिंग करने जा रहा हूँ एंड आप लोग को भी स्मूदिंग करना होगा। तो गाइस यहाँ पे पूरा स्टेप फॉलो करना, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग को मैं ये वाला टूल यूज़ करके दिखाऊंगा, देख सकते हो ये वाला है, इसमें आप लोग को बहुत से टूल मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ये वाला टूल यूज़ किया है, इसको पे क्लिक कर लेते हैं एंड सेटिंग पे आएंगे एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड वाले स्मूदित करेंगे एंड फ्लो को चेंज करेंगे एंड स्ट्रेंच को चेंज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे दोनों को ऑप्शन को चेंज करना होगा कुछ इस टाइप से एंड चेंज करने के बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग भी सीखिए एंड आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप अपनी फोटो एडिटिंग करिए एंड यहाँ पे स्मूदिंग कुछ हार्ड तरीके से स्मूदिंग करना हो तो ये टूल यूज़ करके स्मूदिंग आप लोग अपने फेस पे कर सकते हो। एंड गाइस देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी अमेजिंग लुक आ रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो काफ़ी बवाल तरीके से फुल HD स्मूदिंग हो रही है। तो ये स्मूदिंग आप लोग भी कर सकते हो अपनी फोटो में एंड अप्लाई करके आप लोग अपनी फोटो को एडिटिंग करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। एंड देख सकते हो ये सब टाइप की फोटो बहुत सी इंस्टाग्राम पे वायरलिंग हो रही है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं।